वेलकम। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पति पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण देने से कैसे बच सकता है। ये बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है पतियों के लिए। तो ये पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है और मेरे से कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर पति और पत्नी का जब रिश्ता बिगड़ता है तो पत्नी पति के ऊपर 125 CRPC यानी मेंटेनेंस भरण पोषण का केस जरूर करती है। तो यहाँ पे पतियों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, तो यहाँ पे पतियों के फेयर में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकता है, वो कौन कौन से उपयोगी आधार हैं। तो यहाँ पे पहला आधार आता है कि अगर पत्नी जॉब करती है, पत्नी पति से अलग हो चुकी है, अलग रह रही है और वो अच्छा खासा कमाती है, बढ़िया जॉब कर रही है और उसका गुजारा आराम से हो रहा है, तो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ये पति इस आधार से भी पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण देने से बच सकता है। अब इसमें दूसरा बचाव का उपाय आता है मेंटेनेंस देने से वो कैसे बच सकता है पति। तो दूसरा इसमें है कि बिना वजह अगर पत्नी पति को छोड़ के गई है, यहाँ पे कोई उपयुक्त कारण नहीं है और वो बिना वजह छोड़ के चली गई है, पति ने यहाँ पे उसको लाने के लिए समाज का उपयोग भी किया, समाज का सहारा भी लिया, समाज के द्वारा भी कुछ समझाइश की गई पत्नी को वापस लाने के लिए, फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, पति ने यहाँ पे उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस भी किया है फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, तो इस आधार पे भी पति पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं देगा। अब इसमें तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आधार आता है जिससे वो मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देगा, अगर पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ में रिलेशन है और उसका एविडेंस पति के पास में है, एविडेंस मतलब प्रूफ पति के पास में है, तो उस प्रूफ के आधार पे पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा और इस प्रूफ के आधार पे ही पति अगर चाहे तो पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकता है, उसको डाइवोर्स भी मिल जाएगा और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये उपयुक्त आधार आता है। अब इसमें अगला आधार आता है कि अगर पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग हुए हैं, उन्होंने स्टाम्प वगैरह पे कुछ लिख दिया है कि हम दोनों अलग रहना चाहते हैं और एक दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, हम न तो एक दूसरे को कुछ देंगे न कुछ लेंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पे इस आधार पे भी पति पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं देगा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स होने के बाद में अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और पति के पास में प्रूफ है, पति को पता चल गया है, तो वो इस आधार पे भी चुनौती देके पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। ये भारतीय कानून में साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पति उसको मेंटेनेंस नहीं देगा। अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया है और पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है, कोई उपयुक्त आधार पति के पास में बचाव का नहीं है मेंटेनेंस देने से, तो यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो वो दूसरी शादी कर लेती है तब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पति उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो और लोगों को भी ये जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।